हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले रेस्टफुल वेब सर्विसेज वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपडेट का, ठीक है ना। एक लास्ट बचा हुआ था हम लोग का डिलीट रिकॉर्ड करने का, तो चलिए हम लोग आज उसको लिखते हैं कि हम लोग डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए कैसे वेब सर्विस लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में और सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को डिलीट करने के लिए क्या चाहिए कि हम किसके वाइज किस कॉलम वाइज हम लोग डिलीट करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम रोल वाइज डिलीट करने वाले हैं, तो हम लोग को यहाँ से एक देना पड़ेगा। फॉर्म से हम लोग क्या इनपुट करेंगे, रोल। वो रोल जैसे डेटाबेस में सर्च करेगा कि वो रोल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो डिलीट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन देगा। तो हम लोग यहाँ पर चलिए कॉपी करके डाल दिए हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं डिलीट स्टूडेंट और इसका नाम देते हैं मान लीजिए आर टू और सर्च स्टूडेंट की जगह देते हैं डिलीट स्टूडेंट। इस मेथड को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे अब, जेएस में। तो कॉपी कर लेते हैं और हम अपने जेएस फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं, कमेंट देते हैं डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। इंटर एंड आ जाते हैं नीचे डॉलर स्कोप डॉट मेथड का नाम, फंक्शन, और हम लोग क्या किए थे आर टू को सेट पास किए थे, ठीक है, फॉर्म से। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ से हम लोग कुछ नहीं, जो मेथड ऊपर बनाए थे हम लोग उसको पेस्ट कर लेते हैं, उसमें से जो ज़रूरत है हम लोग का वो रख लेते हैं। तो हम लोग को इसका कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हमारा ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में प्रिंट कर देगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, आर टू को पास कर देंगे, ओके। अगर आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्म पर से वैल्यू आ रहा है कंसोल डॉट लॉग वो क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं आर टू को डॉलर स्कोप डॉट आर टू, ठीक है, जो फॉर्म से आ रहा है। इसको फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं, जबकि हम तो ऊपर आपको बता दिए हैं कि कैसे आप जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है फॉर्म से वो प्रॉपरली जेएस तक क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आर टू यहाँ से पास हो गया, लेकिन गेट हम लोगों को वैल्यू जो है अब गेट टाइप करना चाहिए। अब क्या करना है, डिलीट टाइप करते हैं। यहाँ पर बना हुआ है डिलीट, ठीक है, आपका पहले से मेथड आपका डिफाइन है डिलीट करने के लिए आपका डिलीट। तो चलिए एपीआई पे जाएगा, स्टूडेंट पे जाएगा, लेकिन अब एचटीटीपी किस टाइप का होगा, डिलीट टाइप का मेथड होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका रोल लेके जाएगा, ठीक है, जो कि आर टू में हमने रख दिया। तो ये जाएगा किसके पास, अब वेब सर्विसेज के पास। तो हम लोग आ जाते हैं वेब सर्विसेज में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये अपडेट वाला ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही ज़्यादा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए हम इसको कॉपी कर लिए हैं DELET डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर पुट मैपिंग की जगह हम लोग कर देते हैं डिलीट मैपिंग, इसको कर लेते हैं ऐड, चूँकि ये बना बनाया डिलीट करने के लिए हम लोग को मेथड प्रोवाइड करता है। और यहाँ से हम लोग इसको DELET डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिक्वेस्ट बड़ी हमको चाहिए नहीं, केवल चाहिए हम लोग को फॉर्म से रोल, ताकि हम उसी रोल का सर्च कर सकें और डिलीट कर सकें। तो यह सब सही है और हम लोग आ जाते हैं अभी एक्सेप्शन अभी प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे, अभी नॉर्मल चलते हैं हम लोग, हैंडल करने के लिए करेंगे बाद में हम लोग, अभी नॉर्मल हम करते हैं। अगर एक्सेप्शन हैंडल करेंगे तो अभी से ही आपको लेंथी प्रोजेक्ट लगने लगेगा। अभी चलिए इस सब को रिमूव करते हैं फिलहाल। तो आ जाते हैं हम लोग वेब सर्विस अब लिखेंगे, तो भैया कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लोग को तो रोल वाइज पहले क्या करेगा कि जो हम लोग रोल देंगे फॉर्म से जेएस के पास आएगा, जेएस आएगा वेब सर्विसेज के पास। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग उस रोल से डेटाबेस में रिकॉर्ड को सर्च करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको किसी वेरिएबल में रखेंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डिलीट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि अभी हमने सभी में दो ही रिस्पॉन्स बना रहे हैं, यहाँ पर तीन भी बना सकते थे, जैसे कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डिलीट करे, उसका रिस्पॉन्स अलग है,
अगर डिलीट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा डेटाबेस में तो उसका रिस्पॉन्स अलग कि आप 404 रिकॉर्ड ही नहीं फाउंड है आपका डेटाबेस में, तो डिलीट कहाँ से करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन। लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल दो ही रिस्पॉन्स लेके चल रहे हैं, तो चलिए यहाँ चलते हैं ऑप्शनल स्टूडेंट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट डेटा, इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग रिकॉल ला रहे हैं उससे हम लोग सर्च करेंगे कि डेटाबेस में डेटा है या नहीं। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट सर्विस डॉट, और फाइंड सिंगल रिकॉर्ड जो है सो गेट करने के लिए हम लोग मेथड पहले से बना चुके हैं गेट, देखते हैं कौन सा है, देख लेते हैं ऊपर ही सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए जो मेथड बनाए थे, हाँ गेट स्टूडेंट बाय रोल। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, आ गया। अगर डेटा में अगर कोई भी डेटा आ रहा है ठीक है डेटाबेस से, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ डेटा डॉट सजेशन नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं सजेशन कब आएगा पता नहीं, डेटा डॉट इज present, अगर डेटा अगर प्रजेंट है ठीक है, अगर डेटाबेस से अगर डेटा आ रहा है अगर वो प्रजेंट है तो इसको क्या कर दे, एक हम लोग मेथड बना लेंगे ठीक है डिलीट स्टूडेंट का, और क्या करेगा रोल को पास कर देगा ठीक है, रोल वाइज पास कर देगा। अगर डिलीट कर देगा तो डेटा तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, इफ़ को ओपन कर लेते हैं एंड क्लोज हो गया, और इल्स में लगा देते हैं यहाँ पे ठीक है, प्रॉपर हैंडल कर देते हैं ठीक है। अगर डेटाबेस से डेटा आ रहा है उसको चेक करेगा कि अगर प्रजेंट है तो सर्विस चलाएगा डिलीट के लिए ठीक है, कि डिलीट स्टूडेंट जो है सो डिलीट कर दे रोल वाइज, ओके तक आपका मैसेज शो करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन आपको शो करेगा ठीक है। तो हम लोग का यह डिलीट स्टूडेंट बना हुआ है या नहीं, शायद बना हुआ है देख लेते हैं, डिलीट स्टूडेंट चलते हैं कहाँ पे होगा सर्विस में, शायद हमने बना कर रख दिया है, देख सकते हैं डिलीट स्टूडेंट, और ये क्या कर रहा है डिलीट बाई आईडी ठीक है, किससे रोल से, स्टूडेंट रिपोर्ट और डिलीट बाई आईडी रोल से, आप चाहें तो डिलीट बाई रोल भी कर सकते हैं अपना बना सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं रिपोजिटरी में आप बना सकते हैं, जैसे कि हमने इसको हटाया दिखा देते हैं आपको, हमने यहाँ पर बना के रखा है ठीक है, अगर यहाँ से इसको हटा देते हैं तो डिलीट बाई रोल नहीं डिलीट बाई आईडी से भी आप कीजिएगा यहाँ पे, तो ये ले लेगा चूँकि हम लोग का प्राइमरी की क्या है रोल टाइप का है ठीक है, उसका नाम क्या है रोल, चलिए इसको सर्च कर हमने सेव करा दिया, आ जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं प्रोजेक्ट को, ओह हमने स्टार्ट ही नहीं किया, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ठीक है, अब यह स्टार्ट हो गया है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे टोटल रिकॉर्ड हम देखते हैं, डिस्प्ले वॉल पर हमने क्लिक किया, देखिए रोल है 1003 1004, सबसे पहले कोई गलत रिकॉर्ड देते हैं ऐसा जो कि डेट हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे 5001 हमने दे दिया और सर्च किया, देखिए क्या दिया 417 फेल्योर ठीक है, स्टेटस में 417 और स्टेटस को में हमने डाला था फेल्योर, अदरवाइज हमने ना रिमार्क्स डाला था ना साइज डाला था कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन मान लीजिए जो एग्जिस्ट कर रहा तो उसको क्या करेगा डिलीट कर देगा, और एक यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसेज में चलिए आप, अगर डिलीट हो जाता अगर अगर डेटा अगर प्रजेंट है डेटाबेस में तो यहाँ आएगा चेक करेगा डेटा इज प्रजेंट तो एस इसके अंदर आएगा, उसके बाद डिलीट वाला सर्विस चलाएगा उस डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को, उसके बाद क्या करेगा आपको प्रॉपर HTTP ओके यानी कि 200 और सक्सेस का मैसेज शो करेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 1003 एग्जिस्ट कर रहा है 1004 तो मान लीजिए 1004 हमने दे दिया तो क्या करेगा सक्सेस देगा, तो सर्च करते हैं तो यहाँ पर दे दिया 417 फेल्योर ठीक है, चूँकि यहाँ पर
क्यों कर रहा है ऐसा, फिर से सर्च करते हैं। 417 डिस्प्ले ऑल आ गया, ठीक है। 1004, तो भाई तुम जाओ 1004, स्टेटस कोड 417। बट 417 बार बार क्यों आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए फॉर्म से देखते हैं, फॉर्म लेवल से। चलिए यहाँ पर हमने दे दिया है R2 इनपुट टाइप टेक्स्ट, R2 यहाँ पर हमने दे दिया है सर्च वैल्यू इक्वल्स टू, सर्च नहीं कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं इसका नाम, ठीक है। और डिलीट स्टूडेंट R2 यहाँ से ले जा रहा है, आ गया कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे आने के बाद यहाँ से आपको दे दिया डिलीट, आपने चला http.delete, स्टूडेंट गया R2 पे, रिस्पॉन्स गया, आपको रिस्पॉन्स लाके प्रॉपर दे दिया। अब यह जाएगा वेब सर्विसेज पे, वेब सर्विसेज भी हम थोड़ा चेक कर लें। डिलीट मैपिंग हमारा जैसे स्टूडेंट से लेके गया है, एंड डिलीट स्टूडेंट बाय रो, अच्छा पाथ वेरिएबल यहाँ छूट गया था, सॉरी 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 सॉरी, पाथ वेरिएबल एंड हमने सबमिट कर दिया फिर से। चलिए अब चलते हैं, रिफ्रेश कराते हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड है, देख लेते हैं, 1004 1003 करते हैं, 1004 एंड सबमिट। तो देख सकते हैं स्टेटस कोड कितना आया, 200 एंड सक्सेस, यानी कि 1004 अब डिलीट कर दिया होगा। चलिए फिर से देखते हैं इस पर, डिस्प्ले पर क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर डिलीट कर दिया। अगर 1003 को करते हैं, 3 सबमिट कीजिए, यहाँ दे दिया सक्सेस। फिर से देखते हैं इसको रिफ्रेश करा के, डिस्प्ले ऑल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं अब कोई रिकॉर्ड नहीं बचा हुआ, ठीक है। डिस्प्ले ऑल पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर एरे जो है सबका ब्लैंक दिखा रहा है, यानी कि सभी आपका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। न्यू रिकॉर्ड डालना है तो फिर से डाल दीजिए, रवि कुमार, एड्रेस मान लीजिए PUNJAB पंजाब, गलत हो गया, PUNJAB, ठीक है, मेल एंड 22 ईयर्स एंड सबमिट। तो यहाँ पर 200 आ गया, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, देख सकते हैं आप, डिस्प्ले ऑल कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है 1005 का रिकॉर्ड है, सर्च कीजिए आपको दिखा देगा, ठीक है। डिलीट करना है तो भी दिखा जाएगा, तो 1005 हम डिलीट करते हैं इसको, डिलीट कीजिए तो डिलीट हो गया, 200 स्टेटस दिया। अब इसको फाइंड ऑल कीजिए तो रिकॉर्ड नहीं है डेटा, ठीक है, डेटा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेट किया हुआ, चूँकि हम लोगों ने इसको रिफ्रेश नहीं कराया था, ठीक है। चूँकि देख रहे हैं स्टूडेंट वाले को रिफ्रेश कराया था तो यहाँ पर एरे 0 है, तो आप यहाँ पर भी फाइंड ऑल वाले मेथड पे इसको आप ब्लैंक कर दीजिएगा तो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कोड ऑपरेशन, ठीक है। आपको ब्लैंक का ऑब्जेक्ट को करना है, जहाँ पर ब्लैंक करना है तो वहाँ पर आप ब्लैंक कर, जैसे कि हम लोग यहाँ जब सर्च कर रहे थे तो वहाँ पर हमने यहाँ पर इसको पहले ब्लैंक कर दिया था, तो उसी तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हम लोगों ने सारे ऑपरेशन देखे, बट सभी का रिस्पॉन्स जो देखा कहाँ पर देखा, कंसोल में। लेकिन प्रॉपरली हम इसे अब मॉडल पर देखेंगे, जिसमें कि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो आप ये आपको पॉपअप होएगा मॉडल, और सक्सेस और एरर जो है सो उसी पर आप प्रिंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।